थोड़ा मैथ बूस्ट हो विद करियर प्लानर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट टू के बारे में। अगर आप फ्रैक्शन पार्ट वन का वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज मैं आपको कहूंगा पहले जाके फ्रैक्शन पार्ट वन देखो यार, फिर फ्रैक्शन टू में आओ, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। अभी हमारे घर में हो चुके 2:30, अभी हम लोग आ रहे हैं वीडियोस पे, तो आराम से आप लगातार बने रहिए और देखिए क्या क्या कहानी है। लिखा हुआ है ए गेट 2/7 ऑफ बी, जो ए को मिला है वो 2/7 है किसका, बी का। यानी ऑब्वियस सी बात है कि बी को अगर 7 मिलेगा तो ए को कितना मिल जाएगा, 2। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि अगर ए बी को 7 मिला तो ए को कितना मिलेगा, 2। इसके अलावा ना तो कुछ और ना ही तो कुछ और। मैं फिर से बता दूं कि भाई डिनोमिनेटर वो होता है जिसपे जिससे रिलेशन चल रहा हो, किसको, ए को। कितना, 2/7, किसका 2/7, तो बी का 2/7। यानी बी को अगर 7 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 2। एंड बी गेट 1/5 मोर देन सी, और जो बी को मिला है वो 1/5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सी से। इस स्टेटमेंट को अलग यूज करेंगे और इस स्टेटमेंट को अलग यूज करेंगे। आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस बाबा की जय। अब क्या है बैलेंस बाबा, उनकी बातों को सुनते हैं। कहानी सुनना, ए को जो मिला है वो 2/7 है बी का, यानी बी को अगर 7 तो ए को मिलेगा कितना, 2। एंड बी गेट 1/4 मोर देन सी, इसका मतलब कि अगर सी को 5 मिलेगा तो बी को 1 ज्यादा, यानी 6। लास्ट वीडियोस में ही मैंने आपको बोल रखा था कि भाई ये ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है ऑरिजिनल। यानी आप कहेंगे बी को जो मिला वो 1/5 ज्यादा है सी से, यानी सी अगर 5 तो बी 1 ज्यादा, यानी 6। हमने ये दोनों स्टेटमेंट को लिख लेना। पहले अगला स्टेप हमारा क्या होगा वो सुनो। हमारा अगला स्टेप, एक बात बताइए, अगर ए 2 है तो बी 7, और अगर बी 6 है तो सी 5। एक बात बताओ, ये जो है ये भी वैल्यू बी का है और ये भी वैल्यू किसका है, बी का। ये भी वैल्यू किसका है, बी का, और ये भी वैल्यू किसका है, बी का। क्या आपको लगता है कि बी का 2 वैल्यू आ सकता है, क्या बी का 2 वैल्यू आ सकता है, बी यहाँ पे 7 और बी यहाँ पे 6। अरे भैया ये बी का वैल्यू है, कोई मजाक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपने बी को 6 कह दिया और यहाँ पे बी क्या आपने कह दिया, 7। जा महापाप, इस पाप से बचिए और बोलिए बैलेंस बाबा की जय। क्या है बैलेंस बाबा सुनना, ये दोनों, ये बैलेंस बाबा अगर आएंगे तो इस पाप से बचाएंगे और दोनों की वैल्यू को सेम कर जाएंगे, यानी 6 और 7 को सेम करेंगे। एक बात सुनो, ये रेशियो में अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में है, चोट इसको लगेगी दर्द इसको हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि चोट इसको लगेगी दर्द उसको हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा तुम्हें कहूंगा कि अगर बी के वैल्यू को सेम करना तो बहुत आसान तरीका है, बी को कुछ नहीं करना, बी को सिंपल उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करना। उल्टा नंबर इन द सेंस मैं आपको ये कहूंगा, 6 को मल्टीप्लाई करिए 7 से। अगर यहां 7 से करोगे तो यहां भी 7 से करना पड़ेगा। अब इस बी को मल्टीप्लाई करो 6 से, यहां पे 7 × 6। अगर यहां 6 से करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। तो मैं फिर से बताऊं, मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे बी 7 है और यहाँ पे बी 6 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं बी को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखो कहानी, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42। और सी का वैल्यू आ जाएगा 5 × 7 यानी 35। यानी द रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 12, 42 एंड 35। दैट इज सो सिंपल। यहाँ पे हमने रिलेशन कायम कर दिया ए बी और सी के बारे में। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है वीडियो फिर से रिवर्स करिए और देखिए क्या कहानी बताई गई है आपको। और मैं एक और सवाल करा के दिखाऊंगा आपको। सवाल है ए गेट 7/5 ऑफ बी, नो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
ओके ए गेट 5/4 ऑफ बी एंड बी गेट 1/6 लेस देन सी लिखा हुआ है. फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी. कहा गया क्या, ए को जो मिला है वो 5/7 ज्यादा, 5/7 है बी का, और जो बी को मिला है वो है 1/6 ज्यादा, किससे, सी से. आपको बताना है ए बी और सी का वैल्यू. आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करना है, प्रभु का नाम लेना और यहाँ पे आ जाना है, बातों को सुनना. ए को अगर 5/4 मिला है बी से, यानी बी को अगर 4 मिलेगा तो ए को कितना, 5, क्योंकि डिनोमिनेटर वो होता है जिससे रिलेशन चल रहा हो, और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, रिजल्ट. सेकेंड कंडीशन, बी गेट 1/6 मोर देन सी, जो बी को मिला है वो 1/6 ज्यादा है सी से, यानी सी को अगर 6 मिलेगा तो बी 1 ज्यादा, यानी होने वाला है 7. अब देखो ये कंडीशन मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें सिखाई, यहाँ पे फिर देख लो, बी यहाँ पे 4 और यहाँ पे बी 7, जा महापाप. पाप से बचिए और बोलिए बैलेंस बाबा की जय. यहाँ पे जुड़ा 4 से और यहाँ भी 4 से, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ गुना 7 से, यहाँ भी 7 से, यानी ए के खाते में जाएगा 35, बी के खाते में जाएगा 28 और सी के खाते में जाएगा 24, एंड दैट इज योर आंसर. अब देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी सवाल दे देगा द सम ऑफ देयर सैलरीज 8 रुपीज देन फाइंड आउट द सैलरी ऑफ, वो भी बन जाएगा. कुछ भी सवाल दे दो, लूल जुलूल वाले हरकत कुछ भी दे दे, आप सारे तरीके के सवाल को बना पाएंगे. बस आपको ये रिलेशन बनाना आना चाहिए. अब मैं आपको एक सवाल ही करके दिखाऊंगा जिसमें मेरे को ये रिलेशन फाइंड करना था, तो आइए मैं अभी आपको दिखा दूं. सवाल ये है, ए गेट 1/7 मोर देन बी एंड बी गेट 1/9 लेस देन सी. ठीक है, फाइन आउट वैल्यू ऑफ बी एफ नॉट बी वैल्यू ऑफ ए एफ सी गेट 630 रुपी. चलो मैं फिर से बता दूं, शायद ये मुझे लग रहा है कि कट ऑफ, सॉरी ऑफ हो गया. एक बात फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एफ सी गेट 630 रुपी. ओके थैंक यू. अब देखिएगा, ए तो ए गेट 1/7 मोर देन बी एंड बी गेट 1/9 लेस देन सी. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एफ सी गेट 630 रुपी. बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं फिर से तुम्हें करके दिखाऊं. ए गेट 1/7 ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए को जो मिला है 1/7 ज्यादा है बी से, यानी बी को अगर 7 तो ए को 1 ज्यादा, यानी कितना मिलेगा, 8. अगला स्टेप, ये बी गेट 1/9 लेस देन सी, जो बी का वैल्यू है वो 1/9 कम है, 1/9 कम किससे है, सी से, यानी सी को अगर मिलेगा 9 तो बी 1 कम, यानी फिर से बता दूं कि ए को जो वैल्यू मिला है वो क्या है, वो बी से 1/7 ज्यादा, यानी बी 7 तो ए 1 ज्यादा, यानी 8. और बी को जो वैल्यू मिला है वो सी से 1/9 कम, यानी सी को अगर 9 मिलेगा तो बी को 1 कम, यानी 8. यहाँ पे देखो दोनों जगह कॉमन कौन है, एक बात बताओ तुम्हें, ऐसा लगता है कि बार बार बी कॉमन आएगा तो तुम्हारी बेवकूफी है. यहाँ पे सी ए कुछ भी आ सकता है बार बार कॉमन, लेकिन यहाँ पे कॉमन बी आया है. यहाँ बी की वैल्यू 7 और यहाँ बी की वैल्यू 8, दैट इज नॉट पॉसिबल. हम लोग यहाँ पे पाप कर चुके हैं और इस महापाप से बचेंगे और बोलेंगे बैलेंस बाबा की जाए. यहाँ पे मैं गुना करूंगा 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ गुना करूंगा 8 से, यहाँ भी 8 से. देखो एक के खाते में कितना गया, 64, एक के खाते में कितना गया, 64,
बी के खाते में कितना गया वो देखते हैं। बी के खाते में जाने वाला जो हमारा वैल्यू है, बी के खाते में जो हमारा जाने वाला वैल्यू है 7 × 8 = 56, और सी के खाते में जाने वाला जो वैल्यू है 63, यानी ए को मिलेगा 64, बी को 56 और सी को 63। अब आप बताइए क्या कहानी होने वाली है। कहानी यहाँ पे ये हो गई, कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ये बट गई हमारी। कौन सी कहानी बटी है सर ये बता दो, कि भाई हमारे नजर में ए को मिलेगा 64, बी को मिलेगा 56 और सी को मिलेगा 63, लेकिन सवाल बोल बैठा है कि सी को 63 नहीं, सी को मिला 630 रुपी, यानी 63 = 630 रुपी। तो अब क्या होने वाला है, हमारी नजर में सी को मिला 63, तुम्हारी नजर में सी को मिला 63 यानी 63, लेकिन सवलवा बोल बैठा है 630 है। तो 63 = 630 तो एक बराबर 630/63 यानी 63, यानी बराबर होगा किसके, 10 के। अब सैलरी पूछा ए का, ए को मिला है 64, अगर एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 64 यूनिट का वैल्यू 64 × 10 यानी होगा कितना 640 रुपी। अब बातों को आप अगर समझ पाए होंगे तो आपको काफी मजा आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे बताऊंगा आपको एक और रिलेशन, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं। चलिए, ए गेट 1/3, नॉट लेस, लेस नहीं है, मोर नहीं होगा, 1/3 लेस देन बी प्लस सी, या फिर मैं ये बोलूं ए गेट 1/3 ऑफ बी प्लस सी। जो ए को जो पैसा मिला है वो 1/3 है किसका, 1/3 है बी प्लस सी का, और जो बी को मिला है वो 1/4 लेस है किसका, 1/4 लेस है ए प्लस सी का। अब आपको बताना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, अब आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी। बहुत अच्छी बात, ए को जो मिला है 1/3 है किसका, 1/3 है बी प्लस सी का। अगर ए को मिला है 1/3 बी प्लस सी का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बी प्लस सी का वैल्यू 3 होगा तो ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, पहला कंडीशन। एक बात बताओ, ए का वैल्यू 1 और बी प्लस सी का 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा 3 और 1 = 4। फिर देखिए, फिर मैंने ये कहा बी गेट 1/4 लेस देन, 1/4 लेस देन ए प्लस सी। एक बात बताओ, बी गेट 1/4 लेस देन ए प्लस सी का मतलब ये है कि जो बी का पैसा है वो 1/4 कम है, 1/4 कम किससे है, ए प्लस सी से, यानी ए प्लस सी को मिलेगा अगर 4 तो बी को 1 कम, यानी कितना मिलेगा 3। मैं फिर से बता दूं कि जो ए का पैसा है वो 1/4 कम है, बी प्लस 1/3 कम है, 1/3 है बी प्लस सी का, यानी बी प्लस सी को अगर 3 मिलेगा तो ए को 1 और ए प्लस बी प्लस सी 4 हो जाएगा। यहां पे देखिए, जो बी का पैसा है वो 1/4 कम है ए प्लस सी से, यानी ए प्लस सी को 4 रुपया तो बी को 1 कम, यानी 3 रुपया। एक बात बताइए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का समेशन कितना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पे 7 आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का समेशन कितना है 4 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर ए प्लस बी प्लस सी अगर 4 है तो नीचे 7 कैसे, और नीचे अगर 7 है तो ऊपर 4 कैसे। हमने यहाँ पे कर दिया है महापाप, इस पाप से बचेंगे और बोलेंगे बैलेंस बाबा की जय। यहाँ पे मैं गुना करूंगा, पता है किससे, 7 से, और पता है मैं यहाँ पे किससे गुना करूंगा, 4 से, क्योंकि 4 × 7 = 28 होता है और 7 × 4 = 28 होता है। इसको मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि आपको पता चलना चाहिए, आपको ये बात दिल में जाग जानी चाहिए कि भाई सिचुएशन कुछ ऐसा हमारा बैठने वाला है,
कि हमारी जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी की वो सेम हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, मैं आंसर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर क्या आएगा वो देखते हैं ए बी और सी का। देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर 28 है तो 28 में से 7 गया ए के पास, और ए प्लस बी प्लस सी अगर 28 है तो उसमें से 12 गया बी के पास। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आएगी ए प्लस बी प्लस सी की वो 28 होगी। 28 में से 7 ए का, 12 बी का, यानी 19 निकल चुका है, तो बचा हमारा कितना, बचा हमारा कितना, बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, लगता मेरे वैल्यूज ऊपर कट रही हैं, मुझे थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए। ओके ए, यहाँ पे नीचे मैं एक बार पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आ रहा वैल्यू, ओके तो मैं नीचे लिख देता हूँ आंसर। देखो ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 28 हो चुका है, 28 में से 7 ए का है, बाकी का 12 हो जाएगा बी का। तुम देख सकते हो 28 में से 19 निकल चुका, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 9, 9 किसका हो जाएगा सी का, यानी रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी कितना हो गया 7, 12 और 9। बस यही कहानी थी और कुछ नहीं था। मैं एक सवाल और करके दिखाऊंगा, देखो आप अपने मेरी स्पीड को भी आप बोल सकते हैं, मेरा स्पीड एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं रात के तो पहले 2:30 हो चुके हैं, आज भी पहले से थका हुआ है, दिन में 11 क्लासेस मैं ले चुका हूँ, और ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एक बात और अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई ये वीडियो से तुम इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो बातों को सुनो और देखो, लिखा हुआ है ए गेट 2/5 ऑफ बी प्लस सी, not done or b plus c, and we get 1/3 less than a plus c. Find out the value of relation between a to b to c. मैं फिर कहूंगा a को मिला है 2/5 b plus c का, यानी b plus c को 5, तो a को कितना 2, और a plus b plus c को कितना 7, और b को मिला है 1/3 कम ए प्लस सी से। अगर बी को मिला है 1/3 कम ए प्लस सी से, यानी ए प्लस सी अगर 3 होगा तो बी 1 कम, यानी कितना 2। अब एक बात बता बेटा, यहाँ पे क्या सीन बनेगा, यहाँ सीन ये बनेगा कि तुम कहोगे कि 7, अब ऐसी बात है ए के खाते में 2 और बी के खाते में 5, क्योंकि ए 2/5 है किसका, बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी अगर 5 होगा तो ए 2 और टोटल हो जाएगा 7। और यहाँ पे आप ये भी कहेंगे क्या कि b जो है वो 1/3 कम है a प्लस सी से, a प्लस सी अगर 3 तो b 1 कम, यानी 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे टोटल 7 है और यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल कितना है 7 है और यहाँ पे टोटल कितना है 5 है। आपको समझ में आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कभी अलग नहीं होता, हमेशा सेम होता है, यानी हम दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, सेम करेंगे, जो कॉमन है उसको सेम करो। तो कॉमन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी सेम करेंगे, गुना किससे 5 से, गुना किससे 5 से, गुना किससे 5 से, गुना किससे 7 से, गुना किससे 7 से, गुना किससे 7 से, क्योंकि 7 × 5 भी 35 होता है और 5 × 7 भी 35 होता है। और आपको पता चलना चाहिए किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करोगे सब में करना पड़ेगा, चोट एक को लगेगी दर्द सबको होगा। कहानी देखिएगा, टोटल वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी 35 है। चलिए ए को देखिए, ए के खाते में 5 × 2 = 10 जाएगा, बी को देखिए 7 × 2 = 14 जाएगा, तो 14 और 7 = 24 निकल चुका है। हमारे पास जो वैल्यू बची है सी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 11 है। द रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी इज 10, 14 और 11, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के तुम्हें एक और बात बताऊंगा, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं और एक और सवाल बता दूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और आपसे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आज मैं चाह रहा था कि वीडियो छोटा हो क्योंकि मैं पहले से थका हुआ हूँ। ए गेट 1/4 ऑफ टोटल,
एंड वी गेट 1/3 ऑफ टोटल. फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए टू बी टू सी. आइए, ए को जो मिला है 1/4 है टोटल का, और जो बी को मिला है वो 1/3 है टोटल का. यानी टोटल का मतलब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तीन लोग होंगे. अब ए बी सी की चर्चा करा है तो सिर्फ और सिर्फ तीन लोग हैं. इस बात को समझना पड़ेगा. मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को भाई यहाँ पे कुछ होगा. ए प्लस ए को मिला है टोटल का 1/4, यानी टोटल अगर 4 होगा तो ए को मिलेगा 1. जो बचा हुआ 3 है वो किसी और को नहीं बी प्लस सी को मिलेगा. और बी को मिला है 1/3 अगर ए टोटल का, यानी टोटल होगा ए प्लस बी प्लस सी 3, तो ए को मिलेगा 1. और बचा जो होगा वो हमारा बी प्लस सी 2 किसका होगा, दो जो होगा वो किसका होगा बी प्लस सी का. ए को 1/4 टोटल का 4 और 1, बी को 1/3 टोटल का 3 और 1, बचा हुआ देख लिया. यहाँ टोटल 4 है और यहाँ टोटल 3 है. महापा फिर से बैलेंस करिए, गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4. अब देखो तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू कितना हो गया 4, सी तो पता नहीं लेकिन टोटल वैल्यू हो गई 12. 12 में से 7 निकल गया है, आपको पता होना चाहिए. बाकी का 5 सी का होगा, यानी ए बी और सी के बीच का रिलेशन है 3, 4 और 5. यही हमारा कॉन्सेप्ट था बैलेंस बाबा की जय. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले. मैं बता दूं, अब बंदा आपके लिए इतनी रात को जागा तो कुछ ना कुछ तो बनता है यार. यू ओनली यू कैन डू इट. तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें आपको इंस्पिरेशन मिले और ज्यादा वीडियोस बनाऊं और नई नई टेक्निक आपके सामने लेके आऊं. तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.